दिल्ली के मोरीगेट बस पार्किंग में अवैध तरीके से ट्रांसपोर्ट के चलते यूपी नंबर की बिना परमिट बसों ने दिल्ली के फतेहपुरी बगदिवर ट्रेवल वालों को जीना मुश्किल कर दिया है। हुआ यूं कि मोरीगेट बस पार्किंग में एक बगदिवर ट्रेवल आरजे बस के चालक से अपनी बस बैक करते समय पीछे खड़ी दूसरी यूपी नंबर की बस को मामूली टक्कर लग गई। इसके बाद दो गुटों में झगड़ा हो गया। यूपी बस चालकों ने जमकर हंगामा किया और तो और मामूली सी बात पर यूपी बस मालिक असलम चौधरी ने गुंडों के साथ मिलकर फतेहपुरी बागदीवार के ट्रेवल में काम करने वाले युवक सोहेब को जमकर पीटा। सोहेब की माने तो मोरीगेट बस पार्किंग में असलम नाम के गुंडे का कब्जा है, जो कि अवैध तरीके से यूपी नंबर की बसें चलवाता है और ओवरलोडिंग कराता है। आखिर दिल्ली पुलिस इस पर शिकंजा क्यों नहीं कसती? क्या करते हो? मैं ट्रांसपोर्ट एजेंसी चलाता हूं। आपके साथ क्या घटना हुई? मेरे साथ में घटना ये हुई कि मैं पार्किंग गया हुआ था अपनी गाड़ी के लिए, तो जैसे ही पड़ोस में वहां पे एक झगड़ा हो रहा था। दूसरी राजस्थान नंबर एक हमारी पड़ोस की गाड़ी है और एक गाड़ी हमारे यूपी वालों की, तो उनकी पीछे से बैग लगी। बैग लगने के बाद में थोड़ा सा लेके आ चुके वहाँ अस्पताल में, मेरे को रुकने नहीं दिया। वो कहने लगे कोई बात नहीं है, आपके ट्रीटमेंट हो जाएगा, लेकिन अभी दोबारा अभी हमें जल्दी में है, ये तुम्हारी वो रिपोर्ट बनानी है और हम कार्रवाई तुम्हारी की बात हो गई है इस मैटर में, तो लेकिन वहाँ से कोई सुनवाई नहीं हुई। वो पुलिस वाला आए नहीं, फिर 100 नंबर कॉल करी तो 100 नंबर कॉल पर पुलिस काफ़ी देर बाद वहाँ से जब वो बंदे फरार हो गए, जब वो वहाँ पर आए, आने के बाद में वहाँ से जो है मेरे को ले जाए वहाँ ट्रीटमेंट के लिए ले गए। वो वहाँ पे ले जाने के बाद किस अस्पताल में ले गए? ट्रामा सेंटर में ले गए मेरे को। ले जाने के बाद में वहाँ पर मुझे काफ़ी देर में बैठा रहा, मेरे खून बहता रहा, मेरे नाक में से, मुंह में से और सिर में से खून आता रहा, लेकिन वहाँ कोई नहीं थी। गाड़ी में झगड़ा हुआ तो हम गए, तो उसे पूछ रहे थे भाई कि ठीक है तेरा नुकसान हो गया तो अपने पैसे ले ले, और दिया फिर दूसरा तेरे को नया लाख लगा देंगे। अगले चक्कर पास पास ही गाड़ियाँ दोनों खड़ी होती, तो वो कह रहे जी लगी तो कैसे लगी, हमें गाड़ी नहीं चाहिए। ठीक है, तो उन्होंने एकदम से आए 15-20 बंदे और आते ही इनके इसके पीछे से वार कर दिया राउंड से। उसके बाद में 20-25 बंदे चढ़ गए इसके ऊपर, ये जोर जोर से खिलाने लगे, इसकी पीठ भी बहुत ज़्यादा वो लगी हुई है इसके ऊपर। क्या इस तरह की घटना पहले भी कभी हुई है? नहीं, वहाँ कई होती रहती है मोरीगेट पार्किंग, वो लोग बहुत पहले भी उन्होंने मारपीट की है वहाँ। इसकी पुलिस को बराबर शिकायत दी जाती है बावजूद इसके पुलिस इस पर कोई पार्किंग में ध्यान नहीं देती? शिकायत दी जाती है पुलिस को, ये लोग हफ्ता देते तो पुलिस उनकी मानेगी या हमारी मानेगी? पुलिस को तो हफ्ता जा रहा है उन लोगों के पास, अपराधियों को शिकंजे नहीं कसे जा रहे। जब मैंने कल उससे एसआई सत्येंद्र से मैंने बात करी कि सर क्या हुआ, तो कह रहे जी अभी मुजरिम पकड़े नहीं गए, पकड़े जाएंगे तो तुम्हारे बुला लिए जाएंगे और फिर बैठ के मीटिंग कर ली जाएगी। क्या लगता है आपको, पुलिस इन अपराधियों को पकड़ने में नाकाम क्यों हो रही है, क्या कारण है? नाकाम तो यूं ही हो रही है कि भाई उसके पास में महीना जा रहा, पैसे मिल रहे हैं उनको, तो नाकाम ही हो रही है उनके ऊपर। अभी आप क्या चाहते हैं? हम तो चाह रहे हैं कि कानून कार्रवाई की जाए इनके ऊपर और ये गाड़ियां जो मोरीगेट में अवैध जो कारोबार हो रहा है ये रोका जाए इसके ऊपर।